पंजाब में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पंजाब के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। पिछले दो दिन से तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं जिला गुरदासपुर में आज का तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज रहा। वहीं अब कोरोना के साथ साथ गर्मी का मौसम भी अपना कहर भरपूर तरीके से बरपाता दिखाई दे रहा है। कोरोना की हिदायतों के मुताबिक बाजार खुलने का समय निश्चित कर रखा है, जिसके चलते इतनी भीषण गर्मी के दौरान भी लोग अपने कामों के चलते बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मीठे पेयजल का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। शिकंजी, जूस, सोडा और ठंडे पानी का आसरा लेते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना था कि जहां कोरोना का प्रकोप जारी है, वहीं अब मई महीने में ही गर्मी ने भी अपना प्रकोप शुरू कर दिया है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। पहले तो कोरोना ने कह ढाता वा, हुण गर्मी ने ढाई जाती है जी। किस तरह बचा कर रहे हो गर्मी से? बचा ठंडिया चीजा पी के बचा डे कर जी। हाँ जी, किन्नी को गर्मी होगी तुहानू लगता नहीं? पहले गर्मी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा गर्मी। देखो जी, मौसम के बदलने दौरान गर्मी तो गर्मी के ठंड के दौरान ही आती है। उस तो एक कोरोना का कहर भी लोगों की मुसीबत वाला भरया होया वा। तो गर्मी तो चलो है ही है, तो कोरोना के कहर ने भी दुनिया की मत मची। गर्मी तो बचने की कर रहे हो? गर्मी तो बचने ठंडी चीज़ा खाओ, मतलब कि फ्रूट फ्राट खाओ, बाकी घर च रहो। कोरोना के करके भी सरकार ने कहा है वा कि घर च रहने वास्ते गर्मी में भी जिन्ना तुम बचाव कर सको अपने आप का घर चला के उन्ना करो। तो रही जे एक कोरोना का प्रकोप आ, एक जुलाई महीना आने वाला जो गर्मी तो मतलब हूँ 44 डिग्री सेल्सियस आ जून मई च, तो जो जून जुलाई आने वाला गर्मी तो बहुत प्रकोप बढ़ रहा जी। तो घर के रहो तो ज़्यादा ना बाहर निकलो, गर्मी दे ही बचा जी। ठंडिया चीज़ा खाओ। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।